वैसे तो किन्नर समाज को लेकर आज भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको ठीक प्रकार से मालूम नहीं होंगे। जी हाँ, किन्नर समाज में आखिरकार कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से उनका रहन सहन है, कई बातें आज भी आपको ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक उनकी मृत्यु का सवाल है, तो उनकी मृत्यु से जुड़े भी कई ऐसे सच हैं जो शायद ही आपको मालूम हो। जी हाँ, आज हम आपको किन्नर के जीवन से जुड़े, साथ ही उनकी मृत्यु से जुड़े एक ऐसे सच के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपको भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि किन्नरों का अंतिम संस्कार जो है वो काफ़ी गुपचुप तरीके से किया जाता है। माना जाता है कि किन्नरों को भी जलाया नहीं जाता, इनके समुदाय में भी शवों को दफनाने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक पूरा किन्नर समाज जो है वो भूखा रहता है। जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते तथा चप्पलों से पीटते हैं। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकाली जाती, हमेशा ही किन्नर की शव यात्रा को रात के समय निकाला जाता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया, तो वो दिव्यांगत किन्नर दूसरे जन्म में भी फिर से किन्नर बनेगा और उसकी मुक्ति के लिए ही, जी हाँ, किन्नर की मुक्ति के लिए ही रात के समय शव यात्रा निकाली जाती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा सच है किन्नर की मृत्यु से लेकर, वो हम आपको बता दें कि आम तौर पर जब भी आपका कोई करीबी या फिर आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़कर जाता होगा, तब आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते होंगे, साथ ही कई दिनों तक आप रोते भी होंगे। लेकिन जब किन्नर समाज में किसी का निधन होता है, भले ही वो किन्नर उसका कितना ही क्यों ना खास हो, लेकिन निधन पर जश्न मनाने का रिवाज है। जी हाँ, कहा जाता है कि ये किन्नर रूपी नरक जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। सभी किन्नर शव के पास खड़े हो जाते हैं, उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव अरावन को धन्यवाद देते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना दे। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है, ताकि पुण्य प्रताप से भी दिव्यंगत किन्नर को दोबारा से इस योनि में जन्म ना मिले। तो ये थी किन्नर के मृत्यु से जुड़े कुछ तथ्य। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।